आओ आओ शंकर, क्या लाए हो? मालिक, ज्वार लाया हूँ। मालिक के बच्चे, हमारे लिए ये आधी मुट्ठी ज्वार लाया है और बाकी क्या अपनी बेटी के बरातियों को खिलाने के लिए रखी है? माई बाप, जितनी थी सब लाया हूँ। जिस दिन एक गोली उतर गई खोपड़ी में, जितना भेजा है सब बाहर निकल आएगा। राम ज़्यादा। क्या लाए हो धौलिया? क्यों है मालिक? ठीक है, रख दो सब माल वहीं पर। ठहरो। आओ ठाकुर आओ, अभी तक जिंदा हो? हाँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ, कब्बर से कहना तुम इस गांव से एक दाना भी नहीं ले जा सकते। कौन रोकेगा हमें? तुम? हाँ, मैं और मेरे आदमी। ये आदमी? सुनो, ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बनाई है। मौत तुम्हारे सर पर खेल रही है कालिया, नजर उठाकर देख लो। तो बस तुम्हारे लिए काफी है। काशीराम, सब सामान वापस रखवा दो। सोच लो ठाकुर, गब्बर को पता चला कि इस गांव ने उसके आदमियों को अनाज नहीं दिया तो बहुत खून खराबा हो सकता है। क्यों बेकार में? अब जाओ और गब्बर से कह देना रामगढ़ वालों ने पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है। चले जाओ यहाँ से। जाता हूँ ठाकुर, जाता हूँ। चलो। कितने आदमी थे? सरदार, दो आदमी थे। दो आदमी। वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए। खाली हाँ, क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों धिक्कार? अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहां से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये तीन हरामजादे, ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कितनी गोली है इसके अंदर? हाँ? कितनी गोली है? छह सरदार। छह गोली।
छह गोली है इसका अंदर, छह गोली और आदमी थी अब ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब इसके तीन खानों में गोली है, तीन खाली। अब हम इसको घुमाएंगे। अब कहाँ गोली है कहाँ नहीं हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। इस पिस्तौल में तीन जिंदगी तीन मौत बंद है, देखें किसे क्या मिलता है। बच गया साला, ये भी बच गया। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। कमाल हो गया। तीनों बच गए, ये तीनों आराम जाने को गोली नहीं। तीनों बच गए। जो डर गया समझो मर गया।